जय श्री कृष्ण। एलजे टैलेंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गवार फली और ये काचर, जिसे स्मॉल ककड़ी भी बोलते हैं, और ये देसी गवार फली है। इसके लिए पहले ये गवार फली को मैंने इधर से साइड से काट लिया है, सब ऐसे साफ कर लिया है। अभी इसको धोएंगे, इसको अच्छे से धोएंगे। और इसका पानी निकालेंगे। उसके बाद में ये ककड़ी को छीलेंगे। ये धो के साफ कर लिए मैंने, अभी इस ककड़ी को छीलेंगे। ये ककड़ी मेरे पास 2-3 दिन की है, इसके लिए थोड़ा ये सही से नहीं छिली जा रही है। आप ताज़ा भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, और इसके ऐसे पीसेस करेंगे। पहले इसको चखेंगे क्योंकि कड़वी भी आती है, इसको पहले चेक करेंगे। ये कड़वी नहीं है, अभी इसको काटेंगे, इसको बीज समेत ही काटेंगे। ये बड़ी है इसके लिए इस तरह से काट रही हूँ, वरना आप राउंड में भी काट सकते हैं। राजस्थान में इसको काचर बोलते हैं, आपके इधर इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से मैं सभी ककड़ी को छील के काट लेती हूँ। देखिए मैंने सभी ककड़ी को काट लिया है और गवार फली को भी धो लिया है। अभी हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए लहसुन लेंगे, इसमें लहसुन ज़्यादा ही गिरता है। अभी इसको पीसेंगे, आप मानजस्ते में भी पीस सकते हैं। देखिए हमारा लहसुन कूट के रेडी हो गया है। अभी इसमें मसाला डालेंगे। इसके लिए हम पहले लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मैंने 3 चम्मच में मिर्ची पाउडर डाला है। अभी 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। डेढ़ चम्मच नमक, या स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। अभी मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस पे, और इसमें 2 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए रखा है। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अभी 1 चम्मच राई और जीरा डालेंगे, ये दोनों मिक्स किए हुए हैं। अभी 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे। और इसको पकाएंगे।
टमाटर को गलने तक अच्छे से पकाएंगे। हमारे टमाटर नरम हो गए हैं, अभी इसमें जो मसाला किया था वो डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, आंच को धीमा रखेंगे। देखिए साइड में तेल छूटने लगा है, मसाला हमारा भून रहा है अच्छे से। देखिए साइड से सब तेल छूट गया है, मसाला हमारा भून गया है। अभी इसमें पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा मसाला चिपका हुआ रह गया इसलिए इसके अंदर ही पानी डाल के डालेंगे। मिक्स करेंगे, अभी पानी और डालेंगे। मैंने पूरा 1 गिलास पानी डाला है। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देंगे। हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अभी इसमें ये गवार फली डालेंगे। मिक्स करेंगे, और ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अभी 5 मिनट हो गए सब्जी को पकाए हुए। देखिए हमारी सब्जी पक गई है। अभी इसमें एक ककड़ी डालेंगे। ये ककड़ी जल्दी पकती है इसके लिए इसको बाद में डालेंगे और मिक्स करेंगे। और अभी ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। ये ककड़ी डालने के बाद में मैंने इसको 3 मिनट और पकाया है। अभी गैस को ऑफ करेंगे और एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। लीजिए हमारी स्वादिष्ट गवार फली और ककड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।